हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में पीजी काउंसलिंग आयुष की स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसा कि सामने आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, हम उस साइट पर आ चुके हैं और ये उसी का इंटरफेस है। तो वैसे मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई पर्पस नहीं था, कुछ बच्चों का इसको लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए और उनका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाए। तो चलिए सबसे पहले इंटरफेस को देखते हैं। देखिए, इंटरफेस में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उनको फटाफट पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कि पेएबल एट DD। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको DD सबमिट करना है। फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको 9/5/11:59 PM तक सबमिट करनी है, क्योंकि उसके 24 आवर्स के बाद ही पार्ट सी सेक्शन खुल पाएगा। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, लॉग इन पार्ट सी आ रहा है, तो ये आप तभी लॉग इन कर सकते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट कर देंगे। चलिए, थर्ड पॉइंट है रिजर्वेशन पॉलिसीज को लेकर। थर्ड पॉइंट इज सबमिट योर बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग टिल 10 फेब। तो पार्ट ए जो रहेगा वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको उसमें सबमिट करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी वो आपको पार्ट ए में देनी है। फिर उसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये है कि AIAPGET में जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एंड पार्ट बी इज आफ्टर पार्ट ए कैंडिडेट हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फी फॉर द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग टिल 10 फेब 11:59 PM, बट आपको 9 फेब तक ही रजिस्ट्रेशन फी को सबमिट करना है। देन पार्ट सी आपका लॉग इन होगा 24 आवर्स के बाद, और वहाँ पे उसका रेस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिस देख लेते हैं कि इसमें ब्रोशर पढ़ना है आपको। ब्रोशर तो आपको ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है, ब्रोशर पढ़ना पड़ेगा। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये दे रखा है कि इसमें 15% वाले एलिजिबल नहीं है, तो इसमें 85% स्टेट कोटा के जो हैं वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी इसमें ये जो DD के बारे में दे रखा है, सिक्योरिटी मनी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए 10,000 के लिए बनेगा, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए 25,000 का बनेगा। और ये जिसके लिए बनेगा वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये बनेगा प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एंड चिकित्सालय लखनऊ के फेवर में। अब देखिए, जो अलॉटेड स्टूडेंट्स होंगे और एडमिट हो चुके होंगे कॉलेजेस में, और जिन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें उनका DD रिटर्न कर दिया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जिन्हें कॉलेज अलॉट हो गया है बट उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, या एडमिशन ले लिया है बट उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो उनकी सिक्योरिटी मनी रिटर्न नहीं होगी, जब्त कर ली जाएगी। और सेकेंड काउंसलिंग अगर वो कराते हैं इनकेस, तो उनको फिर से सिक्योरिटी मनी का DD वहाँ पर बनवाना पड़ेगा और उसको सबमिट करना पड़ेगा। चलिए, ये एक छोटा सा कॉमन सा पॉइंट है वो देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन बताई गई, जनरल के लिए 50 परसेंटाइल, SC के लिए 40, ST के लिए 40, OBC के लिए 40, और जनरल में जो PH कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45, और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं PH हैं 40, और जो अन्य राज्य के हैं उनके लिए भी 50%। बाकी अभी तक कोई न्यू अपडेट नहीं आई है, कंटेंट विल अपडेट सून। जो भी कंटेंट होगा वो अपडेट कर दिया जाएगा आपको। जब तक आप जो ये प्रोसेसिंग चल रही है उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।